हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम कक्षा 8 नई दीपमणिका से लेसन नंबर 5 शिगाल कथा पढ़ेंगे। शिगाल कथा यानी कि गीदड़ की कथा। ये ऐसी कथाएं हैं जो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा देती हैं, शिक्षाप्रद कथाएं हैं। और हम इसमें सीखेंगे संधियुक्त शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द, नए शब्द और नई धातुएं। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित वन प्रदेशे प्रचंडः नाम शिगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन प्रदेश में प्रचंड नाम का गीदड़ रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़िता सा नगरम प्रति अगच्छत। वह भूख से पीड़ित कभी नगर की ओर गया। तत् तम दृष्ट्वा कुकुरः तम प्रति आधावन। उसको वहाँ देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। स प्राण भयात एकम रजक गृहम प्राविशत। वह प्राणों के डर से एक उसने प्राणों के डर से एक धोबी के घर में प्रवेश किया। ये देखिए, ये जो प्राविशत है ये लंग लकार में है, इसमें आगे उपसर्ग लग गया, ये आविशत आविशत प्रा जो है इसमें लंग लकार लग गया, ओ उपसर्ग लग गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसी। वहाँ नीले रंग से भरा हुआ एक बर्तन था। स तस्मिन पात्रे आपतत। वह उस बर्तन में गिर गया। नील वर्णः च अभवत और नीले रंग का हो गया। कुकुरा अपि तम च पश्यन। कुत्तों ने भी उसको देखा और कुत्तों ने भी उसको देखा। ततः आगच्छन वहाँ से चले गए। वैसे यहाँ पे एक और चय आना चाहिए था, और वहाँ से चले गए। तो आइए, इस जो पैराग्राफ में था ये था प्रति वस्ति स्म। ये जो प्रति है ये उपसर्ग लग गया है, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, रहता था। जब लटकार के साथ स्म विकरण लग जाए तो ये पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे नगरम प्रति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। दृष्ट्वा, दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय, या फिर वही प्रति से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तम। ओके, जहाँ पे जैसे रजक गृहम, एकम रजक गृहम यानी कि जहाँ पे जैसा हमारा विशेष्य होगा वैसा ही हमारा विशेषण होगा। जिस लिंग में हमारा विशेष्य होगा उसी लिंग में हमारा विशेषण भी होगा। तो आइए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तदा प्रचंड है रजक गृहात वनम प्रति अचलत। तब प्रचंड धोबी के घर से वन की ओर चला गया। प्रचंड कौन था? गीदड़। यस, गीदड़ का नेम है यहाँ पे प्रचंड। नील वर्णम तम दृष्ट्वा पश्व भयात इतस्ततः आधावन। उसको नीले रंग का देखकर पशु डर के मारे डर से इधर उधर दौड़ने लगे। प्रचंड भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चै अवदत। प्रचंड ने डरे हुए उन डरे हुए डरे डरे हुओं को देखकर जोर से बोला। प्रचंड डरे हुए पशुओं को देखकर जोर से बोला। भो भो पशु, अरे अरे पशुओं, यूयम माम दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता। तुम सब मुझको देखकर किस लिए भयभीत हो गए हो, किस लिए डर गए हो? अहम तो युष्माकम राजा अस्मि, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान, ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है। अरे भूमौ गच्छ, अरे भूमि पर जाओ। ये जो गच्छ है ये लोट लकार में मध्यम पुरुष एकवचन है, यानी कि इससे हमें अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ भूमौ से पहले त्वम लग जाएगा। ओके, तत्र गत्वा त्वम शासनम करो, वहाँ जाकर तुम शासन करो। तुम वहाँ जाकर शासन करो। येन तेषु परस्परम कलहो ना स्यात्, जिससे उनमें आपस में झगड़ा ना हो। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहम् करिष्यामि।
तुम सभी के कर्तव्य मैं निश्चित करूँगा। एवं सा तेषाम राजा अभवत। इस प्रकार वह राजा बन गया। आइए इसमें भी देखते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रति से पहले द्वितीय भक्ति का प्रयोग, दृष्ट धातु कर्तव्य प्रत्यय हो चुका है। इतस्ततः, ये हमारा अव्यय है जो किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता। इतस्ततः इधर उधर। आगे देखते हैं कोई अगर ऐसा वर्ड आ रहा है जो हम आपको बता सकें। युष्माकम, इसका अगर पद परिचय कहें तो इसमें मूल शब्द है युष्मल, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, ये उभय लिंग में आता है। उसके बाद ये जो गच्छ मैंने आपको बताई दिया, ये लोट लकार में, और इससे पहले हम तो हम अपने आप जोड़ेंगे। युष्माकम सर्वेशाम कर्तव्य नाम, इन सब में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ओके, करिष्यामी क्री धातु लिरिट लकार से है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एवं गच्छति काले कदाचित स शिगाल वृंदस्य कोलाहलम आशृणोत। इस प्रकार समय बीतते हुए उसने कभी गीदड़ों के समूह का शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः स उत्थाय तार स्वरेण स्वजाति शब्दम एव उच्चै कर्तुम आरभत। उस शब्द को सुनकर पुलकित मनः प्रसन्न मन से स उत्थाय उसने उठकर तार स्वरेण ऊंची आवाज से अपनी जाति के शब्दों की तरह ही ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर दिया। फिर से देख लीजिए एक बार इसका अनुवाद। उस शब्द को सुनकर प्रसन्न मन से उसने, या उसने प्रसन्न मन से उठकर ऊंची आवाज से अपनी जाति के शब्दों के समान ही ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। तम एवं शब्दम कुर्वन्तम श्रुत्वा सर्वे पशवः तम प्रति आश्चर्येण आपश्यन। उसके इस प्रकार शब्द को सुनते हुए या सुनकर सभी पशु उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अहो अरे वयम अनेन शिगालेन वंचितः, हम सब इस गीदड़ से ठगे गए हैं। इति ऐसा कथित्वा तम खंडशय आकुर्वन, कहकर उसके टुकड़े कर दिए। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावनेत्रे गुणाः अतीत्ते ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सभी की परीक्षा, सभी की परीक्षा स्वभाव, स्वभाव से ही, निश्चय ही मीन्स निश्चय ही स्वभाव से की जाती है। ना इतरे गुणाः, ना कि दूसरे गुणों से। अतीत्ते ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। जो स्वभाव होता है, यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है, वो जाति स्वभाव जो है वो सबसे ऊपर रहता है, ना कि गुण। जाति स्वभाव मनुष्य के गुणों और दुर्गुणों को ढक लेता है, प्रबल रहता है, यानी कि उसके ऊपर प्रबल रहता है। इसलिए सबसे पहले स्वभाव की परीक्षा की जाती है, ना कि दूसरे गुणों की। मूर्धन मतलब सबसे ऊपर। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसमें भी अगर कोई हमारा वर्ड रह गया हो जो हमने आपको ना बताया हो। श्रुत्वा, श्रुधातु कत्व प्रत्यय, इसका संधि वो संयोग युक्त शब्द हो जाएगा स्व जाति शब्दम ए प्लस ए। श्रुत्वा में फिर वही श्रुधातु कत्व प्रत्यय, आश्चर्य में तृतीय विभक्ति एक वचन, शिगालेन तृतीय विभक्ति एक वचन, वंचितः ठगे गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जाति स्वभाव ही सब सद्गुणों और दुर्गुणों को ढाक लेता है, यानी कि वो उस पर प्रबल रहता है। इसीलिए मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, ना कि उसके गुणों की। तो आइए एक बार इसके वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। रजक गृहम धोबी का घर, नीलवर्ण नीले रंग का, अवलोक्य देखकर, आदिष्टवान आदेश दिया, कलहो या कलह। अगर आप ओ की मात्रा नहीं लगा रहे तो आपको विसर्ग लगाना पड़ेगा, और अगर आप विसर्ग नहीं लगा रहे तो ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी। कलह मीन्स झगड़ा,
वृंदम झुंड पुलकित मनः प्रसन्न मन से, तार स्वरेण जोर से वंचिता ठगे गए, खंडशः टुकड़े टुकड़े परीक्षन्ते परीक्षा ली जाती है, नेत्रे न इतरे बोलेंगे अगर हम इसका पद विभाजन करें तो, न इतरे इसमें गुण संधि है, दूसरे नहीं, अतीत्य पार से पार या से आगे, मूर्धन सबसे ऊपर। संयोग युक्त शब्द देखते हैं कौन से हैं, निश्चयम अहम, निश्चयम जमा अहम, सत्यमेव सत्यम जमा ए, कर्तुमा रभत यानी कि इसको अगर हम पद विभाजन करें तो कर्तुम जमा आरभत, किमर्थम किम जमा अर्थम। आइए देखते हैं प्रत्ययुक्त शब्द कौन से हैं, अवलोक्य, अव जो है इसमें उपसर्ग है, लोक लोक धातु है और लेप प्रत्यय जिसमें य शेष बचता है, लेप पूरा नहीं लगेगा, कई बच्चे लिख देते हैं अवलोक लेप, लेप नहीं लिखना, लेप का य शेष बचता है, ये मैंने आपको सेवेंथ क्लास में प्रत्यय कराए भी हुए हैं। उत्थाए, क्योंकि उत उपसर्ग आ गया इसीलिए यहाँ पे स्था धातु है, इसके आगे स लग जाएगा, स्था धातु लेप प्रत्यय से य शेष बचेगा। कर्तुम, क्री धातु और तुमन प्रत्यय, कथित्वा कथ धातु से कत्वा प्रत्यय, लेप व कत्वा दोनों का ही मीनिंग करके होता है, करके, लेकिन कत्वा प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है और लेप प्रत्यय का प्रयोग जब धातुओं से पहले उपसर्ग जुड़ जाए। क्लियर, समस्त पद वैसे आपके नहीं आएंगे फिर भी आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। शुधा पीड़ित है, शुधाया पीड़ित है, भूख से पीड़ित, प्राण भयात, प्राणानाम भयात, प्राणों के डर से, रजक गृहम, ये समस्त पद लिखे जाते हैं बुक में, इस तरह से नहीं लिखे जाते, और अगर हम ट्रांसलेट करके बच्चे लिख भी रहे तो गलत नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा रजकस्य गृहम, धोबी के घर, धोबी का घर। नील रस पूर्णम, नील रसस्य पूर्णम, नीले रस का पानी या भरा हुआ पूरा, शिगाल वृंदस्य, शिगालानाम वृंदस्य, गीदड़ों का समूह, भयभीता भयात भीता, क्योंकि भय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इसलिए यहाँ पे आया भयात, भय से डरा हुआ। आगे देखते हैं संधि विच्छेद, कस्मिंश्चित, अब देखो इसमें आ रहा है कस्मिंश्चित, तो ये जो अब इसमें व्यंजन संधि आ गई, कस्मिन ऊपर दे रखा है डॉट, तो ये कस्मिन जमा चित बना, यहाँ पे श का लोप हो जाएगा। च अभवत, ये दीर्घ संधि आ गई, च जमा अभवत, इतस्ततः, अब ये कौन सी संधि हो गई, ये विसर्ग संधि हो गई, जब ये स आ जाए या श आ जाए बीच में तो यहाँ पे इसका लोप हो जाता है, या फिर र आ जाए, स श या र, इनमें से कोई भी आ जाए तो यहाँ पे इनका लोप होके विसर्ग लग जाता है, तो ये बना इतः जमा ततः, इतस्ततः, जब हम इसका संधि करके लिखेंगे तो ये बनेगा, इसका संधि करेंगे तो बनेगा इतस्ततः। ना इतरे, ये गुण संधि आ गई, ना जमा इतरे, ए जमा ई मिलकर क्या बनेंगे, ए, ये मैंने आपको संधि पढ़ाई चुकी हूँ, तो ये आपका चैप्टर मैंने अच्छे से एक बार दोबारा करा दिया है। अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आए तो आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए बॉक्स में। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।